40 साल तक मैंने एयरफोर्स में रह के देश का सेवा किया। अभी मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली एक्टिव हूँ, और कम से कम 8-10 साल के लिए तो मैं फिट रहूँगा, एक्टिव रहूँगा। और ये टाइम आ गया है, थोड़ा जनता का सेवा के लिए एक मौका मिला, तो बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसमें ज्वाइन करने के लिए से मेरे को शायद और मौका मिलेगा लोगों को सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर, हूँ। देश में कई नेशनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टीज हैं, फिर भी आपने बीजेपी का दामन थामा, इसके पीछे का कोई खास वजह? सही में बताऊं तो पार्टी तो बहुत है, मगर एक नेशनलिस्टिक फेरवर वाला पार्टी जो मैंने देखा है वो जब मैं ज्वाइन किया 1984 में, तब से जब तक मैं रिटायर किया 2022 में, कम से कम मैंने 5-6 प्रधानमंत्री देखे हैं और उनके शासनकाल देखे हैं। खास करके 2014 से 2022 तक मैंने बहुत सारे गवर्नेंस के चेंजेस में देखा। जैसे हमारे मोदी साहब बोलते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो वो मैंने देखा है प्रोग्रेस होते हुए कम से कम फौज में 9-8 सालों में। और क्योंकि हम इंडियन सिटीजन्स हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं देश में क्या क्या हो रहा है। जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है देश के बेहतरी के लिए, 11 नंबर से अभी 5 नंबर पे आए हैं, 370 चला गया है, बाकी सब प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, भारत का स्टैंडिंग विदेश में, जो भी हर इट्स ऑल राउंड प्रोग्रेस हुआ है। ये नहीं कि पूरा जो खून होना था हो जाएगा, टाइम लगता है, मगर इन 8 सालों में मैंने जो देखा इसमें मैं कन्विंस हो गया कि यही एक पार्टी है जो देश को और आगे ले जा सकता है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 2047 तक देश को विकसित बना देंगे, और ये अगर एम रहा और प्रोक्लेम्ड एम है, तो मेरे ख्याल से मोदी साहब और हिज टीम एंड हिज वे ऑफ गवर्नेंस से ये हो सकता है। और उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो इसलिए मैं बहुत खुश रहूँगा पार्टी के लिए काम करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने जिस तरीके से आप 40 साल से अधिक आपने समय दिया देश की जनता के, देश की सेवा के लिए, तो उसमें कई सारे प्रधानमंत्री के बदलाव हुए हैं। तो अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, डिसीजन मेकिंग में बात करें, और अन्य जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके बीच को कंपेयर करें, तो क्या लगा, क्या नीतियां आपको पसंद आई? जैसे 1984 में मैं तो बहुत यंग पायलट ऑफिसर था, उस टाइम में देश के बारे में सोचना कम होता है, फ्लाइंग के बारे में सोचना ज्यादा होता है। मगर एक चीज बताऊं, मैं जब कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम मैं स्क्वाड लीडर था। इनफैक्ट कारगिल में मैंने खूब सारे बॉम्ब गिराए हैं। वो जो डिसीजन आया था उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी ही था, अटल बिहारी जी हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, डिसाइसिव था। फिर बीच में काफी दिन तक इनडिसिशन चलता रहा, उसके बाद फिर से दोबारा जो 2014 से, खास करके मोदी साहब के आने के बाद, बहुत सारे ऐसे डिसीशन हैं फौज के लिए खास करके। अभी हम बोल सकते हैं कि अभी जो हमारा हालत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी का ले लो, एयरफोर्स का ले लो, नेवी का ले लो, हमारा जो वेपन्स है वो अच्छे से भर के ऐसे स्टेट पे ले आया है कि जो गलवान हुआ, अगर उनको हम आगे बढ़ने से रोक पाए और उनको वहीं वापस करने का क्षमता रखते थे, तो इसी कारण है कि हमारे पास काबिलियत बढ़ गई थी। और वो काबिलियत का एक ही कारण हो सकता है, गवर्नेंस, दैट टू हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण। तो कहा जा सकता है कि आप मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित हुए, उनकी नीतियों से प्रभावित हुए? मोदी जी के विचारधारा, बीजेपी के विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित हूँ, और अभी एक मौका मिला है ज्वाइन करने का एज ए नॉर्मल वर्कर, कार्यकर्ता के तरह। उसके बाद कल ही मैंने ज्वाइन किया है, अभी पार्टी के ऊपर है, जो भी क्या कार्य देना चाहते हैं मैं अवेलेबल हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं फिट हूँ और मेंटली फिजिकली फिट हूँ, अगले 8-10 साल तक जो भी मेरी तरफ से हो सके मैं करूँगा।
देश की सेवा के बाद आप जनता की सेवा करने को तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार हैं, अगर पार्टी हमें मौका देगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।